नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के धामनोद में बच्चा चोर समझकर लोगों ने एक युवक की जमकर की धुनाई, जिससे युवक हो गया घायल। दरअसल धामनोद में कहार मोहल्ले में लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा और बच्चा चोर समझकर भीड़ ने उस युवक की, जिसका नाम संजय बताया जा रहा है, जमकर धुनाई कर दी। युवक घायल हो गया। धामनोद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को पुलिस भीड़ से बचाकर धामनोद के स्वास्थ्य केंद्र लाई, जहां पर युवक का उपचार जारी है। आपको बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पर बच्चा चोर की अफवाहें जोरों से चल रही है। लोग इसी आधार पर किसी भी संदिग्ध को देखते हैं तो बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दे रहे हैं। यही घटना धामनोद के कार मोहल्ले में हुई। धामनोद पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वह की जाएगी। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। क्या नाम है? संजय खेड़े। कहाँ रहते हो? क्या लेना है धामनोद? मैं गणेश मामा के यहाँ जा रहा था। गणेश मामा कौन? मंत्री। मंत्री क्यों गए? मामू है मारा। ये लोगों ने मारा क्यों तुमको? हाँ, उन लोगों ने। गणेश मामा के यहाँ जा रहा हूँ, ऐसी बात की क्या है? क्या लेने जा रहे थे? मामू आए इसके लिए। कहाँ के रहने वाले हो? कलघाट। कलघाट बता रहे थे? ये लोगों ने इसलिए आपको मारा कि बच्चा चोर समझ रहे हैं आपको? बच्चा चोर करते हो, चोरी करते हो क्या? ऐसी कई बात नहीं, हम गणेश मामा क्या जाए। तो फिर पब्लिक को देख के भागे क्यों आप? वहीं से जाए रो तो आसी मजाक चाहे, इसलिए रो तो आप घर आ ही जाऊँगा या शिकारवाड़ी में या आज धामनोद थाने में ये संजय पिता कैलाश भेड़े खलघाट निवासी है, धामनोद में इसका ससुराल है और ये वहाँ आया हुआ था। तो ये कहार मोहल्ला से निकल रहा था, तो क्योंकि इसने शर्ट और बनियान कुछ नहीं पहना होता, सिर्फ पैंट पहना होता, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी, तो उसे देख कर कुछ बच्चे चिल्लाए, उसको लेके कुछ लोग मोहल्ले के इकट्ठे हुए और उसके साथ मारपीट कर दी। इस प्रकरण में अपराध पंजीकृत कर लिया गया है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो संजय है उसे वो अभी हॉस्पिटल में है। सर, किन मामलों में अपराध पंजीकृत किया गया है? अभी मारपीट के मामलों में अपराध पंजीकृत किया गया है। सर, इस तरह की मॉब लिंचिंग घटना पर क्या कहेंगे आप? हमने जिले में व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रसार प्रचार कर रहे हैं और मेरा इसमें सभी से ये कहना है कि इस तरह की अफवाहों को हवा नहीं दें। ऐसे में सोशल मीडिया या अन्य कोई भी तरीके से यदि कोई किसी को हर्ट करता है और आप यदि किसी को संदिग्ध मिलता है तो वो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें, डायल 100 को इन्फॉर्म करें और यदि लोग कानून अपने हाथ में लेंगे तो उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।